आंखों में ना तेज धूप पड़ रही है, सूरज की किरणें भी तेज पड़ रही हैं, और सामने का भी तो चौमेश्वरी है। ये देखो कल वो सामने जो पीक दिख रही है ना, पंचाचुली पीक, वो कल नहीं दिख रही क्योंकि पूरे स्नो से ढका हुआ था, सामने वाले बादल नहीं दिख रहे थे। और कोई आया क्या? नहीं, कोई नहीं आया, सब बाहर गए हैं, सनराइज़ को देखने गए थे, लेकिन अब तो हो चुका है, सब आ गए होंगे, चाय वाय पियेंगे और अपना सामान वामान पैक करेंगे और निकलेंगे। और हमारा होटल का रूम ये रहा। रूम बहुत स्पेशियस है, अलग से ये रूम अलग से है और ये वाला सेक्शन अलग से दे रखा है, डाइनिंग जहाँ पे आप तैयार हो सकते हो। यह लगा हुआ है, ये मैं ही हूँ, कपड़े मैंने कल वाले ही पहने हैं क्योंकि अभी फटाफट निकलना है तो बदले नहीं है इसको। और ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम बहुत बड़ा है यार, देखो है गीजर जैसा सब लगा, अलमीरा दे रखी है, गीजर अलमीरा सब बड़े से दे रखा है आप यहाँ पे, क्योंकि ठंड पड़ती है, चाहे मई जून में आ जाओ चाहे कभी भी आ जाओ, यहाँ ठंड रहती है, हाफ स्वेटर में तो बंदा रहती है यहाँ पे नॉर्मल डेज में, तो अभी ठंड बस सिर्फ बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ठंड बढ़ेगी बर्फ़ गिरेगी और टूरिस्ट बढ़ेगा यहाँ पे, और नंदा देवी और कहते हैं आदि कैलाश के लिए भी यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ भीड़ एक डेढ़ हफ्ते में बढ़ जाएगी ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। और ये है केएमवीएन ही, जैसे हमने बोला कि हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा केएमवीएन में रहने के लिए, तो हम वहीं रह रहे हैं और बहुत अच्छे रेट में मिला है, पॉकेट फ्रेंडली है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कितने का पड़े, आप जाके देख सकते हो, और अगर वीडियो पूरी देखनी है तो प्लीज़ ज़रूर बने रहिएगा। पिछले वाले ब्लॉग में देखा तो आई बटन में लिंक कर जाके ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आप सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मल्होत्रा ब्लॉग्स, आप सभी का स्वागत है मल्होत्रा ब्लॉग्स में। इस समय रूम में कोई दिख नहीं रहा है, बस मैं सामान पैकिंग कर रहा था कि बाइक में लगाएं फटाफट निकल लें, चलते हैं बाइक पर मिलते सीधा। दोस्त, ये दोस्त देख रहा हूँ आया कुछ खाने के लिए, तभी फ़ोटो खिंचवा रही है कि नहीं, और इसको कुछ खिलाते हैं, आजा आ आजा। पसंद नहीं आई क्या हरियाणा के बिस्किट? नहीं खा रहा है, अच्छा लग रहा है, हरियाणा का हो चाहे पहाड़ों का, इसको सब पसंद है। ये जो मेरे बिल्कुल सामने दिख रही है ये पंचाचुली पीक है, और इसका बेस कैंप में जाने के लिए ना आपको डारमा वैली होते हुए जाना पड़ेगा, जो यहाँ से धारचूला, फिर धारचूला से डारमा वैली, 100 किलोमीटर पड़ता है धारचूला शायद, और वहाँ से 2.5 किलोमीटर का है ट्रैक है, आप जा सकते हो इसके बेस कैंप को जाके देख सकते हो, बहुत सुंदर व्यू है, और लोग बहुत सारे लोग करते भी हैं, कई सारे राइडर्स ने कर भी रखा है, लेकिन हम कहीं और जा रहे हैं ओम पर्वत के लिए, तो आज यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, तो अब निकलते बिना किसी देरी के। हेलीकॉप्टर शॉट तो देखा ही होगा आपने, ज़बरदस्त लगा होगा है कि नहीं, असली हेलीकॉप्टर भी देखा होगा और हमारा ड्रोन भी देखा होगा आपने शॉट में। चलिए जी, KMVN को बाय बाय करते हैं, बाय बाय। कुछ छूटा तो नहीं है? सब ले लिया, ऑल सेट? चलो जी, लीजिए पहली वाटर क्रॉसिंग, नहीं है क्रॉसिंग नीचे से है, तो वैसे क्रॉसिंग ही ऊपर ऊपर ने पुल बना रखा है और वहाँ पे टूट रखे हैं सारे, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़बरदस्त, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकाल्पनिक, ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल देखे हैं हमने, बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग देखी कल वाले दिन में। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, पूरी सीरीज़ के लिंक हैं नीचे, एक एक
जो जो वीडियो डलती जा रही है उनके लिंक डले हैं मैंने, चार जाकर देख सकते हो पीछे भी, और आने वाली वीडियोस में बने रहिए। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत कीजिए, और इन लोग को सैल्यूट कीजिए। दादा साहब रास्ता देखिए, ये देखिए घपाक से चढ़ा चला आ रहा था, बट उसकी भी गलती नहीं है यार, क्योंकि उसने देखा कोई है, दिख तो रहा ही था, ये पता सच है। और यहाँ पे अब जेसीबी की खुदाई चल रही है, लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, जेसीबी ने अपना काम कर दिया, ट्रक भर दिया, और हमें अब आगे जाने की परमिशन दी जाएगी। ये देखिए मुझे लगता है यही वाला श्लश है जो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे लंगूर भी बहुत सारे हैं, देख रहे हैं, और उनसे डरना नहीं है, नहीं तो वो चढ़ जाएंगे हमारे ऊपर। श्लश कुछ ज़्यादा ही है ब्रो। देख रहे हैं, तो आगे वाली ब्रेक तो बिल्कुल मत मारिए, क्लच छोड़ कर चलाइए, पहले गियर में रेस बिल्कुल मत दीजिए। ये देखने में आपको इजी लग रहा होगा, बट जो चलाता है वही समझ सकता है। और बाइक किधर भी भाग सकती है ऐसे स्लश में, तो जितना ज़्यादा हो सके कंट्रोल करके चलाइए। जबरदस्त स्लश था ये भी, हो सकता है इससे ही भयंकर आना बाकी हो। क्या बात है, वाटर फ्लो देखो यार, ये वाटर फॉल देखो, ये वाटर फ्लो देखो नीचे, ओए होए क्या स्किड मार रही है दोस्त। कितना ही सुंदर हो गए तुम। आपको ना ये बोट दिखा रहा हूँ, जॉल जी भी 40 किलोमीटर है, और बांगा पानी 10 किलोमीटर, और यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, इतने सारे वाटरफॉल आना देखे एक साथ। घना जंगल हो रखा, घना कति बारिश चक्कर में, बहुत घना जंगल हो रखा है यार बारिश के चक्कर में, देख रहे हो बारिश हो रही है, जंगल हरे भरे हैं, पहाड़ हरे भरे हैं, यही नज़ारा है, यही प्यार है, यही मोहब्बत है, इसीलिए तो खींचे चले जाते हैं पहाड़ों में। ये देख रहे हो आप लोग, ये गाड़ी दब गई है यार, सब ठीक है, ये लैंडस्लाइड हो गई, गाड़ी दब गई यहाँ पे, और अभी हुआ ही है, नहीं बोल रहे रात से हो रखा, सॉरी। तो हितेश्वरी कहाँ चले गए होंगे, गाड़ी नंबर देखो UK 05 उत्तराखंड की गाड़ी 18-12। ओ भाई साहब खतरनाक लैंड स्लाइडिंग हो रखी है, सीधा नीचे कोई गिरा भी है क्या, ओ खाई देख रहे हो, माय गॉड, और पता नहीं कब तक खुलेगा, कोई पता नहीं है, 3-4 घंटे बोलने लगेगा। देखो भाई लैंड स्लाइड होने के ना फ़ायदे कितने हैं, लैंड स्लाइड हुआ हम रुक गए और हम फंस गए, पूरी फैमिली के साथ ना व्लॉग भी चल रहा है और लोकेशन के मज़े भी ले जा रहे हैं। वो पुल देख रहे ना, वो क्रॉस करके ना उस तरफ जाएंगे, वहाँ पर बहुत बढ़िया एक वाटरफॉल है, अगर हम आता गए तो, है कि नहीं, और अगर ड्रोन शॉट उड़ा पाए तो उड़ाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको।
पानी का साउंड कितना तेज सुनाई दे रहा है, इतना तेज है कि मेरी आवाज़ मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है। और इस पुल का जो भी हमने टाइम रैप देखा है ना, ये बड़ा स्कैरी था भाई साहब। ऐसे ऐसे हो रहा था इसके बीच में, जैसे लगे हो ना पटरे, ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं। बड़ा ही स्कैरी पुल है भाई साहब ये। लेकिन लोकेशन वो एक नंबर है, वहाँ चलते हैं, जो वहाँ चलते हैं वहाँ पर। और ये जंगल की आवाज़, नेचुरल साउंड, यही सब के लिए तो आते हैं हम लोग यहाँ पे यार, यही तो एडवेंचर है। देखो प्रॉब्लम ना बहुत सारी आएंगे आप जब राइड करोगे ट्रैवल करोगे ना, लेकिन आप उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलें वो यही होता है। कि देखो जब वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा, हम जा नहीं सकते, दो तीन घंटे चार घंटे कितना टाइम लग सकता है, हो सकता है हमें कैंपिंग करनी पड़े, लेकिन हम कहाँ आ गए, ऐसे सुंदर जगह पे, ऐसे जंगल में। ओए होए 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 होए, बनता गुरु बनता, एक लाइक तो बनता दोस्त, करके जाओ यार। सबसे बड़ी बात पता है क्या, अभी हम यहाँ पे आए, लोकेशन बहुत सुंदर है। अगर आप भी कभी ऐसा कुछ यहाँ भगवान ना करे फंसो, अगर फंस जाते हो तो ऐसी जगह पे आते हो ना, तो ये सब मत करो यार। देख रहे हो, ये देखो, ये सब मत करो यार। बोला कि ये क्या है, आपने ड्यू पिया और फेंक दिया यार, ये नेचर खराब कर रहे हो आप यार। बड़ा झटका हो गया भाई साहब ड्रोन का ना, तो मैविक एयर 2 है और ये मिनी है भाई का, मिनी 2 है भाई ने, ये 35,000 रुपये का आता है। तो अभी कोविड में खरीदा, बीच में जब लॉकडाउन था 70,000 रुपये का खरीदा, 72,000 रुपये का तो मैंने खरीदा था, दुबई से लेके आया था मैं तो। और इतना बड़ा नुकसान हो गया, देख लो ये छोटी सी गलती भारी पड़ गई है। उस जगह जाने का ना मज़ा ही अलग था, ठीक है थोड़ा सा चलना पड़ा, छोटा सा ट्रैक भी हो गया, बट मज़ा आया वहाँ जाके, बैठ गए अपना, चिप्स खाए हमने, नमकीन खाई, मिठाई खाई, और झोला अपना जो कचरा था हमारा वो फैलाया नहीं हमने वहाँ पे, हम लेके आए हैं। इतना चलने का मैगी अच्छी लग रही है ना, ये हमारी तीखी अच्छी लग रही है, बढ़िया तीखी बना रखी है, बहुत बढ़िया। और आज कुछ कैंपिंग का भी प्लान बन रहा हम लोग का, लेट्स सी क्या होता है। इसको देख रहा, ये दोस्त तुम्हारा पता कहाँ रहता है, वो देखो वो ऊपर वहाँ पे, वो जहाँ खंभे दिख रहे हैं ना उस साइड पे है कि नहीं। और इसके जीजा जी आएंगे तो ये वहाँ ऊपर जाएगा, अभी हमने बोला खाना खिला देगा अपने घर में, तो बोला अभी जीजा जाएंगे वो बताएंगे। फिर तुम्हारा नाम क्या है, जैन सिंह, जैन सिंह, जीवन सिंह नाम है, जीवन सिंह बच्चा, देखो छोटा सा ही है, इसका नाम दादा जैसा है, जीवन सिंह। बोला ना सारे इंसानों का मालिक एक है, इन सारी मुर्गियों का मालिक एक है। देखो पहले मुर्गियों को परेशान किया, उनके अंडे देके उनके बच्चों को परेशान किया, अब हमने इनके मालिक को परेशान कर दिया अमरूद तोड़ने के लिए, इन्होंने अमरूद तोड़ कर दे दिया हमें। ये ले रुपेश, तेरे लिए मैंने कुत्ता देख लिया वीडियो में, मैं लेके नहीं आ सकता इसको, लेकिन देख लिया मैंने, बिल्कुल ब्लैक है ये। समझ रहे हैं बात को, भावनाओं को समझो, इन्होंने खिलाया हमें, थैंक यू सब लोगों को, भाई लोगों थैंक यू, थैंक यू। ये देखो गाड़ियों का काफिला आ रहा है, ये देखो लाइन पे लाइन लगी है, ये सब ना करीबन करीबन 2 बजे से फंसे हुए हैं, सब 2 बजे से फंसे हुए हैं, हम तो 10:30 से फंसे हैं, लोग 2 बजे से उधर से फंसे हुए हैं। जो अभी भैया आए उन्होंने बताया कि आगे रास्ता ख़राब है तो अभी जाना ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपना टेंट लगा लिए, एक टेंट लगा दिए और भी एक टेंट लगना बाकी है। आज का दिन ना बड़ा ही अनइवन था, कल का भी दिन हमारा अनइवन था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि भैया खुशी के साथ पूरे पल बताए, क्रिकेट मैच खेल लिया, मौसम था, पिकनिक कर ली, मैगी खा ली, चाय पी ली, क्रिकेट खेल लिया, सब कुछ हो गया भाई साहब, और क्या चाहिए, यही तो एडवेंचर है। एक अपना घर बना लिया छोटा सा, और हमने घर बना लिया, अगर आपने नहीं देखा तो वहां लाइव दिखा दोस्त, वो देखो ये
ये हमने अपना छोटा सा आशियाना बना लिया है। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगना तो लाइक करना, कमेंट करना, और इतना बढ़िया ड्रोन शॉट लिया है यार, उसके लिए बिल्कुल ये देखो अपना प्रमोशन करके सब्सक्राइब टू राइड एडवेंचर SD, ठीक है जी। बाइक का भी चैनल देखो और इन्होंने बहुत अच्छे से अपना ब्लॉग बनाया, और एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी देखो वहाँ पे, ये देखो ये तो बहुत ही बुरा है यार, है कि नहीं। और अगर आपको चैनल पर कुछ भी अच्छा लगा हो तो अगर नए कमेंट कर जाना, लाइक भी जाना, अगर चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसको प्रेस कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होने के बाद क्या होगा, उससे पहले बेल आइकन आएगा उसको दबाएंगे तो क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले सबके पास आएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय दादा।